हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है रोज चैटोस में। अभी कुछ ही दिन पहले अमेजन प्राइम पर एक ओरिजिनल वेब सीरीज आई थी उनकी, और सीरीज का नाम था मिर्जापुर। 9 एपिसोड की ये सीरीज थी, मतलब टोटल 9 घंटे की। तो जब से ये सीरीज आई है तब से एक बड़ा नेट पर कंपैरिजन चल रहा है नेटफ्लिक्स की कुछ ही टाइम पहले आई हुई सीरीज सेक्रेट गेम्स के साथ। तो जब से सीरीज आई है दोनों का कंपैरिजन चल रहा है कि कौन सी सीरीज बेहतर है, कौन सी सीरीज खराब है। ज्यादातर लोग जितने भी मैंने नेट पर व्यू देखे उन सभी ने सेक्रेट गेम्स के साथ मिर्जापुर को कंपेयर किया और ये कहा कि सेक्रेट गेम्स वॉज मच बेटर देन मिर्जापुर। ये ठीक वैसा ही कंपेरिजन है जैसे कि एक इंग्लिश में कहते हैं ना, यू कॉन्ट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। तो ठीक वही डिफरेंस है सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर में। अब मेरे हिसाब से अगर मेरे को पूछा जाए तो मैंने सेक्रेट गेम्स भी देखा पूरा, मैंने मिर्जापुर भी देखा पूरा। दोनों सीरीज बिल्कुल अलग अलग जॉनर की सीरीज हैं। दोनों सीरीज में बस एक सिवाय इस बात के कि एक गैंगस्टर है दोनों सीरीज में, इसके सिवाय दोनों में कहीं कोई कॉमनैलिटी नहीं है, कहीं कोई दोनों सीरीज में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कहीं पर कोई चीज एक दूसरे से मिलती नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों सीरीज में। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो सेक्रेट गेम्स की सीरीज थी वो एक सस्पेंस, स्पाई और थ्रिलर टाइप की सीरीज थी, वो एक नॉवल का एडेप्टेशन था। और सबसे बड़ी बात थी कि उस सीरीज में जो जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे हाई क्लास थे, ज्यादातर कहूंगा मैं, बहुत कम कैरेक्टर उसमें लो क्लास दिखाई थे, ज्यादातर कैरेक्टर हाई क्लास थे, सोफिस्टिकेटेड थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी उसमें कैरेक्टर्स दिखाई हैं वो सारे के सारे फिक्शनल हैं। फिक्शनल का मतलब यह है कि उस तरीके के कैरेक्टर्स आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होते हैं। गाइतोंडे जैसा जो गैंगस्टर कैरेक्टर दिखाया है वो आपको रोजाना की जिंदगी में नहीं मिलते, बल्कि अगर मैं सच कहूं तो शायद आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं पर भी किसी भी जगह पर। मगर अखंडानंद त्रिपाठी जैसा कैरेक्टर जो कि मिर्जापुर सीरीज का एक मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है। बाहुबली है, गैंगस्टर है, लेकिन वो एक कॉमन कैरेक्टर है जो कि आपको आमतौर पर लगभग हर बड़े शहर में इस तरीके का कैरेक्टर मिल जाएगा, खासतौर से ईस्टर्न यूपी में और बिहार में, ये बड़ी एक कॉमन आम बात है। अच्छा, नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है वो एक पूरी तरीके से फिक्शन है, वो एक एपोकैलिप्स को रोकने की तैयारी है, यानी कि एक कोई बहुत बड़ी बला प्रलय या एक कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है और उसकी तैयारी 30-40 साल से हो रही है और वो एक सिंगल पॉइंट पे आके खत्म होती है। तो जो सीरीज शुरू होती है वो उस एपोकैलिप्स को रोकने के ऊपर है कि कोई ढूंढ रहा है कि वो क्या है, कोई उसे रोकना चाहता है, कोई उसे लाना चाहता है। लेकिन जो मिर्जापुर की सीरीज है वो एक सिंगल पॉइंट पे आने के लिए नहीं चलती, वो डे टू डे मोड में चलती है, यानी कि आपको नहीं मालूम कि अगले दिन क्या होने वाला है, आपको नहीं मालूम, आप एक फ्लो के साथ चलते हैं। अच्छा, नेटफ्लिक्स की जो सेक्रेट गेम्स वाली सीरीज है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक स्टैटिक हैं, यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। जो आपको पहले सीन, पहले फ्रेम के साथ जो उस कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी है वो उस सीरीज के आखिरी एपिसोड तक वही रहती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप बंटी का कैरेक्टर लेते हैं तो बंटी का कैरेक्टर जैसे पहले फ्रेम में दिखाया है वो ठीक वैसा ही कैरेक्टर आखिरी फ्रेम में होता है। गायतोंडे का जो कैरेक्टर जैसे पहले है वैसे ही एंड में है। सरताज का जो कैरेक्टर जो पहले है वो वही बाद में है। इसी तरीके से जो पॉलिटिशियन है, जो भोसले है, उसका कैरेक्टर जो पहले है वही बाद में है। पारुलकर का जो कैरेक्टर है जो सीरीज की स्टार्टिंग में एक बहुत ही कमीना किस्म का पुलिस ऑफिसर है, वो बहुत ही कमीना किस्म का ऑफिसर बाद में भी है। लेकिन जो मिर्जापुर में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक डेवलपमेंट है, वो चेंज होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होती हैं। कि जैसे उसमें जो गुड्डू पंडित और बबलू पंडित का जो कैरेक्टर है वो एक आम कॉलेज जाने वाले लड़के हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उनकी जीवन की दिशा चेंज हो जाती है। कॉलेज जाने वाला एक बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, एक सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, और दोनों बन जाते हैं गैंगस्टर। और गैंगस्टर भी कैसे बन जाते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर बनता है जिसको कि गन पे जिसका हाथ नहीं चलता, और दूसरा बनता है दिमाग चलाने वाला गैंगस्टर। इसी तरीके से उसमें हम मुन्ना त्रिपाठी का हम कैरेक्टर लेते हैं, जो जब सीरीज स्टार्ट होती है तो वो एक पूरे तरीके से चर्सी गंजेड़ी भंगेड़ी दिखाया है, जो कि दुनिया के हर एक ऐब में लगा हुआ है, हर एक शौक उसने पाले हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे सीरीज एंड होती है तो उसके उसके साथ एक ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि वो आप सीरीज देखेंगे तो आप जानिएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, कि उसका जो कैरेक्टर है वो अपने सारे शौक, सारे ऐप छोड़ देता है, ड्रग्स लेना छोड़ देता है, वो दारू के नशे को छोड़ देता है, दिमाग जो पहले नहीं चलाता था, जहां पर वो सीधे गन से बात करता था वहां पर वो दिमाग चलाने लगता है, कोल्ड हो जाता है, कोल्ड ब्लडेड हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें। एक उसमें जैसे लड़कियों का कैरेक्टर भी जो दिखाया है कि एक लड़की है जो पढ़ाकू किस्म की लड़की है, जो सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाई है बहुत ही आम सी घरेलू सी लड़की है, वो सीरीज के एंड तक पहुंचते पहुंचते गन चलाने तक पहुंच जाती है, मतलब शी इज रेडी टू किल समवन। तो ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ये हमने मिर्जापुर में देखा था। सेक्रेट गेम्स में किसी भी कैरेक्टर का कोई अपना एक पर्सनल स्टोरी नहीं है, जो भी कुछ है वो सारी की सारी स्टोरीज एक दूसरे के साथ इंटरवाइन है।
कोई उसमें अना वाली बात नहीं है, कोई ये कहते हैं ना जिसे अपनी इज्जत की बात आ गई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई तो उसको लेके कोई एक स्टोरी रिवॉल्व करती है, सेक्रेट गेम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत ही मेथोडिकल है, सब कुछ बहुत ही प्लान्ड है, मतलब एवरी वन इज अ पॉन। एक बड़ा गेम चल रहा है, उस बड़े गेम में सारे के सारे सिर्फ मोहरे हैं। लेकिन जो मिर्जापुर की स्टोरी है वहां पर हर किसी की अपनी एक पर्सनल आम की बात आ जाती है, और वो स्टोरी जब आगे बढ़ती है उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल इस बात का होता है कि उसकी आम पर कुछ बात आ गई है। जैसे मुन्ना त्रिपाठी जब मिर्जापुर में पंडित के घर में घुस जाता है तो उनकी आम की बात आ जाती है, उनके घर में घुस के माँ बहन की गाली देता है, वहां से उनके जीवन की दिशा चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद जब मुन्ना त्रिपाठी को थप्पड़ पड़ता है तो मुन्ना त्रिपाठी की आन की बात आ जाती है, तो उसके बाद फिर वो बदला लेने की सोचता है। इसी तरीके से जो अखंडानंद त्रिपाठी की वाइफ है जो कि अपने नाजायज संबंध और नौकर के साथ बनाए हुए है, तो उसका ससुर जब उसको सजा देता है तो वो भी अपनी एक आन पर लेती है। इस तरीके से जो एक पर्सनल फीलिंग्स हैं उनका बहुत ज्यादा जोर है मिर्जापुर में। सीक्रेट गेम्स में ये नहीं है, सीक्रेट गेम्स बहुत ही कोल्ड ब्लडेड है। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसमें सही सही लिखा हुआ था कि जो सीक्रेट गेम्स है वो एक जेम्स बॉन्ड की दुनिया है और जो मिर्जापुर है वो एक गैंग्स ऑफ वसेपुर की दुनिया है। कह सकते हैं आपके मिर्जापुर गैंग्स ऑफ वसेपुर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, हालांकि गैंग्स ऑफ वसेपुर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सीक्रेट गेम्स को डायरेक्ट किया है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस आपको मिर्जापुर में दिखाई देता है, इससे हम कोई इनकार नहीं करते। अच्छा, एक कॉमन फैक्टर जो सीक्रेट गेम्स में और क्या बोलेंगे मिर्जापुर में दोनों में है वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी सीक्रेट गेम्स के भी कर्ता धर्ता यानी कि सबसे मेन प्लेयर वही है, हालांकि फर्स्ट सीजन में उनका जो स्क्रीन टाइम था वो ना के बराबर था, लेकिन दर्शकों को समझ में आ जाता है ही इज द मेन प्लेयर। और पंकज त्रिपाठी ही नहीं, अखंडानंद त्रिपाठी का रोल प्ले किया है मिर्जापुर में, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो अगर आप पंकज त्रिपाठी के फैन हैं तो आप दोनों सीरीज देखिए, लेकिन अगर आप खुले मन से देखना चाहते हैं तो आप मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स को कंपेयर मत कीजिए। दोनों दो अलग अलग टाइप की वेब सीरीज हैं, दोनों दो अलग अलग टाइप की कहानियां हैं, दोनों को दो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैंने दोनों सीरीज देखी, मुझे दोनों सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई। किसी के बहकावे में मत आइए कि एक सीरीज खराब है या एक सीरीज अच्छी है। अगर आप अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं आप बेशक देखिए मिर्जापुर को, वो एक आउट एंड आउट ब्रूट गैंग वॉर स्टोरी है, वो एक गैंगलैंड की स्टोरी है, वो एक तरीके से माफिया और गैंग वॉर्स के बीच में जो टशल होती है, जो 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 उनके बीच में द्वंद होता है, जो एक दूसरे के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता एक सुप्रीमेसी को स्थापित करने की जो लड़ाई होती है वो है मिर्जापुर में। सीक्रेट गेम्स में कोई गैंग वॉर नहीं है, गैंग्स हैं बट दे आर स्टिल द वेरी स्मॉल प्लेयर्स। वो बड़ी स्टोरी कुछ और ही है, वहां पर कुछ और ही कहानी चल रही है, वो इंटरनेशनल लेवल की कहानी चल रही है, उसको आप मिर्जापुर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों दो अलग अलग सीरीज हैं, दोनों सीरीज को देखिए, खुले मन से एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये था मेरा मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स का मेरा कंपैरिजन। आगे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।